रिया माँ की तबीयत खराब है, उनका फोन आया था, बोल रही थी उन्हें पैसे की जरूरत है। पैसों की जरूरत है? हम कहाँ से दे दे पैसे, हमारे खुद के खर्चे तो पूरे नहीं हो रहे हैं। अरे मेरे पास है, मैं दे देता हूँ उन्हें पैसे। अरे पैसे हैं तो ऐसे किसी को भी दे दोगे क्या? मरिया किसी को कहाँ दे रहे हैं, माँ को पैसे दे रहे हैं। जो भी है कोई जरूरत नहीं है देने की। मरिया ऐसे टाइम पे अगर हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? तुम्हारे बड़े भैया से क्यों नहीं ले लेती हैं वो पैसे, हमेशा हमसे क्यों मांगती हैं? रिया तुम कैसी बातें कर रही हो यार, वो मेरे बड़े भाई से कैसे पैसे मांग सकती है? अगर तुम्हारे भाई से पैसे नहीं मांग सकती हैं तो तुमसे भी नहीं मांग सकती हैं। अरे मैंने उनको बोल दिया कि मैं पैसे दे दूंगा उन्हें, तो दे देता हूँ। अभी सिर्फ बोला है ना, दिए तो नहीं है, फोन करके मना कर दो। ठीक है तुम कह रही हो तो मना कर देता हूँ। हाँ माँ जी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं आपको पैसे नहीं दे पा रहा। पर बेटा आपने तो बोला था कि आपके पास हैं पैसे और आप दे दोगे। वो बात यह है कि मैंने किसी को पैसे दिए थे, उसने मुझे पैसे लौटाए ही नहीं, अब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं आपको देने के लिए। सॉरी माँ जी, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा आपको। अच्छा बेटा, तो अब मैं क्या ही बोलूं। जी माँ जी। कर दिया मैंने। वेरी गुड, मेरी बात मानोगे ना तो हमेशा ऐसे ही खुश रहोगे। और विकास तुम ना बहुत भोले हो, लोग तुम्हें बेवकूफ समझते हैं कि इससे पैसे मांगेंगे ये मना नहीं कर पाएगा, तुम्हें ना करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब तो सीख लिया मैंने। चलो मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, वो मैंने संजू को पैसों के लिए कॉल किया था, पर पहले उसने बोला कि मैं दे दूंगा पैसे और उसके बाद फिर बोला कि नहीं है उसके पास। बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो रखी हैं, अगर तेरे पास कुछ पैसे हैं तो तू दे दे। सच कहूँ तो मुझे बहुत शर्म आ रही है पैसे मांगते हुए, पर क्या करूँ, तुझे तो पता है तेरे भाई की शादी के बाद ना तेरे भाई ने एक भी पैसा घर पे नहीं दिया है, तेरी भाभी उसे घर तक नहीं आने देती। अब मैं, तू भी मेरी बेटी है तो मैं तुझसे नहीं तो और किससे मदद मांगू। माँ आप परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ और आती हूँ ना आपसे मिलने। अच्छा ठीक है बेटा। विकास तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी माँ का नहीं मेरी माँ का फोन आया था और उनको पैसों की जरूरत है? अगर मेरी माँ का फोन आया था तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी, दे देते पैसे बिना पूछे। वाह रिया वाह, तुम्हारी माँ को पैसों की जरूरत है तो पैसे दिए क्यों नहीं, और मेरी माँ को अगर पैसों की जरूरत है तो क्यों दे रहे हो उन्हें पैसे? क्या जरूरत है उन्हें पैसे देने की? कहीं से भी ले लेंगी, भाई से मांग लेंगी। सॉरी क्या सॉरी रिया, जिस माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इस काबिल बनाया, तुम उसकी हेल्प करने से मुझे मना कर रही हो? क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है? अब मैं क्यों करूं तुम्हारी माँ की हेल्प? वो विकास तुम्हें पता है ना, मेरी भाभी मेरे भाई को माँ के लिए कुछ नहीं करने देती है। और तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो वही कर रही हो ना, तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई को तुम्हारी माँ के लिए कुछ नहीं करने देती, और तुम भी वही कर रही हो, तुम मुझे मेरी माँ के लिए कुछ नहीं करने देती। अरे रिया, जब मैं कोई फर्क नहीं करता हूं अपनी माँ में और तुम्हारी माँ में, मैं उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहता हूं, तो तुम्हें क्या परेशानी है? विकास सो सॉरी, जब अब मेरी माँ की बात आई है तो मुझे समझ आया कि मैं कितना गलत कर रही थी, मुझे रियलाइज हो गया है और मैं तुम्हें भी सॉरी बोल रही हूँ, और मैं तुम्हारी मम्मी को भी फोन करके सॉरी बोलूंगी पक्का, और मैं खुद उन्हें यहाँ लेकर आऊंगी ताकि वो हमारे साथ रह सके, और उनका बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखूंगी जैसे मैं अपनी माँ का रखती थी और अभी भी रख रही हूँ। ठीक, एक काम करते हैं, चलते हैं उनके पास, उनको पैसे भी दे देते हैं और उनके हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह भी करा देंगे। तुम रेडी हो?